एक बार शिवा रास्ते से जा रहा था कि तभी अचानक से बहुत तेज बरसात होने लगती है। फिर शिवा वहाँ से भागता हुआ जैसे तैसे करके अपने घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। शिवा उनसे बोलता है कि मैं अभी नहा कर आता हूँ, मैं गीला हो गया हूँ, तुम यहीं पर इंतजार करना, और वो नहाने के लिए चला जाता है कि तभी 30 मिनट बाद जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब उसके दोस्त कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं शिवा का मर्डर हो चुका है। रेवा काफ़ी घबरा जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर लिटिल सिंगम को बुला लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं मर्डर कितनी देर पहले हुआ, तो शिवा की दोस्त बोलते हैं कि अभी आधे घंटे पहले। उसके बाद लिटिल सिंगम बोलता है अच्छा बताओ आधे घंटे में तुम सब कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे। तो उदय बोलता है कि मैं बोर हो रहा था तो मैं टीवी देखने के लिए रूम में चला गया और मुझे जैसे ही आवाज़ आई तो मैं सीधा यहाँ पर आ गया। उसके बाद रेवा बोलती है मैं शिवा के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाने के लिए किचन में थी, मुझे भी आवाज़ आई तो मैं यहाँ पर आ गई। और उसके बाद आदित्य बोलता है लिटिल सिंगम मैं तो बाहर पौधों को पानी डालने के लिए गया था, मुझे जैसे ही आवाज़ आई मैं सीधा घर के अंदर आ गया। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर लिटिल सिंगम इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मर्डर किसने किया। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता चला हो तो जल्दी से अपना आंसर नीचे कॉमेंट कीजिए, आपके पास जवाब देने के लिए 10 सेकंड है। दोस्तों आंसर देखने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। दोस्तों मर्डर किया है आदित्य ने, क्योंकि उसने बोला था कि वो पौधों को पानी डाल रहा था, लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि काफ़ी तेज़ बरसात हो रही थी तो उसे पौधों में पानी डालने की क्या ज़रूरत है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है और उसी ने मर्डर किया है।